Good morning students, welcome to Sandhya Science Classes YouTube channel. In previous lecture, we have studied about what is solution, types of solution, and at the end, we have ended that video at the mass percentage, which is a percentage composition and concentration, जो लोग बात कर रहे थे. तो चलिए अभी आप हम लोग देख रहे हैं अभी volume percentage, जो second है उसको. परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, जैसे कि मार्क्स परसेंटेज है, जैसे हम किसी सब्जेक्ट का मार्क्स निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, जो मार्क्स परसेंटेज है वो हमेशा टोटल किसमें लेते हैं, 100 में लेते हैं. तो हमने पिछले क्लास में बात किया था, क्या बात किया था हमने भाई, हमने बात किया था पिछले क्लास में क्या, मार्क्स परसेंटेज, जिसमें हमने बोला था कि टोटल हमें डिजॉल्व है, इतने में हम टोटल कितना लेने आ रहे
डिजॉल्व इन कितना एमएल ऑफ सॉल्यूशन 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन में उसने बस इतनी बात की थी। यहां से हमें दो चीज मालूम चल जाएगा, वो क्या कि जो चीज हम मिला रहे हैं वो कितना एमएल है और टोटल तो भाई 100 होता ही है, मास को तो 100 ग्राम हो जाएगा, वॉल्यूम है तो 100 एमएल हो जाएगा। बेस आपको कभी भी सॉल्यूशन का ये दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं देगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको सेट करना शूट करना है वो कितना होगा भाई 100 एमएल होगा। ठीक है, क्या लिखे बाबू बाय वॉल्यूम लिखे या ये लिखे कि 20% क्या सॉल्यूशन 20% के नॉन सॉल्यूशन है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखे क्या V by V। तो आपको यहाँ पे समझना होगा ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो कि भाई ये इमोशन है कि क्वेश्चन मास बाय मास बाय वॉल्यूम क्या परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैं यही पिटिशन को दे देता हूं क्या डब्ल्यू बाय वी, क्या डब्ल्यू बाई ये यहाँ पे आप डब्ल्यू की डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्या होता है बहुत डिलूशन हो जाएगा, कैसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि मास बाई किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो इसकी फायदा कैसे करोगे, तो आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ solute dissolved in 100 ml क्या solution, क्या बोलते हैं, क्या कितना कि 100 ml solution में कितना mass of solute dissolved है वो कौन बताता है भाई, mass by volume बताता है। suppose हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है डब्ल्यू बाई क्या भी लिखा हुआ है। तो जैसे ही डब्ल्यू बाई भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 एमएल सॉल्यूशन। मीन्स अगर ये चीज लिखा हुआ है तो यहां से हमने क्या पता कर लिया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 एमएल, सॉल्यूट कितना मिला है 20 ग्राम, तो यहां से हमने सॉल्यूट का मास भी पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। अगर आप लोगों को थोड़ी सी याद हो क्या मोलैरिटी
समझ में आ रही बात कि ये सब परसेंटेज कंसंट्रेशन है, इसका यूज कहीं भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली होगा, इसका यूज मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब फाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम फाइंड करते हैं तो होगा। और ज्यादातर जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो जो सब्जेक्टिव आजकल जो मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को जब मोलैरिटी अभी जो
रिपोर्ट हुआ है लॉकडाउन से पहले, उसमें सॉलिड स्टेट नहीं था, समझ में आ रही है बात। लेकिन अब जो आप लोग दोगे पेपर, उसमें सॉलिड स्टेट अभी के लिए तो आया है, इस नया अपडेट जो आया है उसमें सॉलिड स्टेट क्या कर दिया गया, वो ऐड कर दिया गया है। इस क्लास में 1920 में ग्रुप 15 को भी हटा दिया गया था, ठीक है, यहां पर फिर ग्रुप 15 एलिमेंट भी ऐड हो गया है। बात समझ में आ रही है, दो चेंजिंग जो केमिस्ट्री में हुए थे, ग्रुप 15 को हटा दिया गया था और सॉलिड को हटा दिया गया था, इस बार फिर से उसको ऐड कर दिया गया है। तो इस बात का ख्याल रखें, कंफ्यूजन ना करें, ठीक है। ये जो बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर सॉलिड में क्या हुआ, आया नहीं आया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है सिलेबस के द्वारा कि आपने भाई एक बार हटा दिया, फिर आपने एक सवाल ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसी के बच्चों को सॉलिड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में अभी सॉलिड फिर से ऐड कर दिया गया है, ग्रुप 15 एलिमेंट फिर से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मास परसेंटेज, क्या पढ़ रहे थे, मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास मास, ये तीन हम लोग ने पढ़ा। ये तो सबको पता होगा भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि इट इज द रेशियो मोल ऑफ फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट, मींस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल बटा टोटल मोल कितना भाई, जिस कंपोनेंट पार्टिकुलर कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल परसेंट इन सॉल्यूशन, मींस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उस कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल के रेशियो क्या बोलेंगे बाबू, मोल फ्रैक्शन। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ एक सॉल्यूबल सॉल्वेंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एक सॉल्यूबल और एक सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसको जो है बोला जाता है चाय, क्या बोला जाता है, चाय, सीधे चाय, चाय क्या, चाय बोला जाता है।
मोलर मास, यही ना मोल होता है भाई, कि जो मास दिया रहेगा सॉलिड का ऊपर नीचे मोलर मास, ना जो मास दिया रहेगा अटैक में मोलर मास। तो यहाँ पे एनवी है, एनवी मतलब क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट ना, तो किसका मास ऊपर रखेंगे, सॉल्यूट का मास ऊपर रखेंगे भाई, और मोलर मास किसका रखेंगे, तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मतलब चला भाई, किसका रखेंगे सॉल्यूट का। फिर यहाँ पे भाई एनवी भाई एनवी और एनए, एनए क्या होता है सॉल्वेंट का मोल, किसका मोल सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का मास ऊपर और मोलर मास क्या नीचे रखेंगे। ये आ गया आपको मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज का मोल से मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए या तो आपको मोल पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए, या तो आपको क्या किसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसका आपको मास पता होना चाहिए, उसका आपको मोलर मास पता होना चाहिए, दो चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नोट लिख के अभी एक चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या करते हैं नोट कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट परसेंट है तो दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर। अब सर दो का बराबर होगा तीन का और नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, जितने भी कंपोनेंट परसेंट है ठीक है, जितने भी 3% है 4% है 5% है सारे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितने के बराबर होगा, एक के बराबर। मीन्स सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट परसेंट है उन सब के जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और सबको जब ऐड करेंगे तो कितना बराबर होगा, वन का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वन के बराबर में होगा। जैसे हम डेटा में किसकी बात कर रहे थे, बाइनरी की बात कर रहे थे ना, तो बाइनरी में क्या, बाइनरी में हमने क्या निकाला था, एक्स भी क्या निकाला है वो एन बी वाई एन ए प्लस निकाला है ना, हाँ, और एक्स के
वन के बराबर हो जाएगा भाई, किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। ठीक है, ये हम कब बात कर रहे हैं, जब दो कंपोनेंट हो। कितना कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट। ये सारे कैलकुलेट
मोल फ्रैक्शन ऑफ इस कंपोनेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप ट्राई करो, गर्मी बहुत है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कितना 2.5 मोल के बॉन्ड रख रहा है और 7.5 मोल H2O रख रहा है। ठीक है, तो दिक्कत ज्यादा मोल में कौन है, वाटर। तो वाटर कैसे काम करेगा एज अ सॉल्वेंट, इथेनॉल कैसे काम करेगा एज अ सॉलिड। क्लियर है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब क्या, इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट हमारे, एक इथेनॉल और एक वाटर। मतलब कितना 2.5 क्या दिया हुआ है, वाटर का मोल दिया हुआ है कितना 7.5 मोल। ठीक है, 7.5 निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। सपोज हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, बाबू इसका निकाल लेते हैं इथेनॉल का, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो मोल ऊपर किसका रखेंगे, इथेनॉल का ही रखेंगे ना, रख दीजिए प्लस वाटर। ठीक है, इथेनॉल का मोल कितना दिया हुआ है भाई, 2.5 दिया हुआ है ना, 2.5 दिया हुआ है, फिर यहां पे भी 2.5 और प्लस 7.5 कितना हो जाएगा भाई, देखो तो 2.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, देख लो दिख रहा है आपको, जोड़ो जल्दी से, 10 होगा कि नहीं होगा। एक और चीज आप याद रखना हमेशा कि भाई मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का, इसी सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है और एक कंपोनेंट निकाल रहा है तो वो हमेशा एक से कम ही आएगा ना, ये दो का जोड़ एक है, समझ में आ रही है बात, दो का जोड़ एक है मतलब एक तो कम ही आएगा, समझ में आ रही है बात। तो वो चीज इस दोनों का जोड़ लो कितना होगा, वाटर कितना 7.5, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको वाटर का नहीं भी निकालने का मन हो, अगर अदर मेथड देखे हम तो हम क्या कर देते, एक्स इथेनॉल आ गया था तो क्या होता है, एक्स इथेनॉल प्लस एक्स वाटर इक्वल्स टू 1, तो हमें इथेनॉल का पता था, ऐसे ही निकाल सकते थे, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए जब हमने एक और क्वेश्चन करते हैं कंफर्मेशन का, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल का ना, क्या पूछ रहा है, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है भाई। दे क्या दिया, सबसे बड़ी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से पूरा क्वेश्चन का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा भाई, क्या बोल is dissolved in कितना सॉल्यूशन, परसेंटेज कितने
मनुष्य कोई दिक्कत है? नहीं ना, पता चल गया ना कि दिलीप नायगर का मास कितना है, 20 ग्राम। स्वामी सर का मास कितना है, 100 ग्राम। चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कि गिवन क्या है, मास ऑफ क्या कितना भाई, 20 ग्राम। मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, कितना होगा भाई, 100 में से कितना चला जाएगा, 20 ना जी। सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन हटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा कि नहीं आएगा ना, हमको ये तीन चीज पता चल गया। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल को क्या हमें निकालना क्या था, टू फाइंड। कितना करना है
ग्लाइकॉल प्लस वाटर। तो यहाँ पर मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, फिर भी ग्लाइकॉल सॉल्यूट है। इतना कष्ट करूँ मैं, आप भी ना करें, ठीक। ये हो गया। अब बताइए सॉल्यूट इसमें ग्लाइकॉल का पास कितना था, 20 ग्राम ना, और ये कितना था, 62 ग्राम था। फिर 20 बाई क्या 62 और प्लस वाटर कितना आया था 80 ग्राम, मोलर मास कितना है 80 है। इसको आप क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट है